देवास जिले में लगातार गुम हुए मोबाइलों की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक देवास संपत उपाध्याय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें साइबर सेल प्रभारी व टीम को गुम हुए मोबाइल की खोज करने हेतु लगाया गया। सामान्यतः जब भी किसी फरियादी का मोबाइल कहीं गिर जाता है तो नियमानुसार मोबाइल गुम होने वाले स्थान के नजदीकी पुलिस थाने में अथवा सीधे साइबर सेल में गुम मोबाइलों के बिल सहित आवेदन प्रस्तुत करना होता है। जिले में साइबर सेल द्वारा सभी आवेदन पत्र एकत्र कर गुमे हुए मोबाइलों की तकनीकी उपकरणों से ट्रेसिंग कर सक्रियता दिखाते हुए गुमे हुए 120 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपए है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया देवास द्वारा बताया गया कि कंट्रोल रूम पर मोबाइल धारकों को उनके गुमे हुए मोबाइलों को देकर मायूस चेहरों पर फिर से मुस्कान लाने का कार्य देवास पुलिस और हमारी साइबर टीम ने किया है। इस प्रकार के कार्य से आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा और बढ़ जाता है। पायल चौहान, मैं त्रिलोकनगर इटावा से। वो मुझे कल मोबाइल के लिए फोन आया था कि आपका मोबाइल मिल गया है तो आधार कार्ड ये लेके आ जाना, तो मैं इसके लिए आई। मेरा मोबाइल टेकरी पे अभी नवरात्रि की नवमी के दिन वो 16,000 रुपए का था। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेहनत की कमाई के पैसे थे वो, तो मिला है तो थोड़ा दिल को बहुत खुशी हो रही है कि वापस मिल गया। हाँ, मैं पुलिस वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और हमारी साइबर क्राइम की टीम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा फोन ढूंढ दिया। मेरा नाम पायल चौहान है, त्रिलोकनगर रहती हूँ। मेरे पापा का नाम राजेंद्र सिंह चौहान है और माता का नाम अनीता चौहान है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा मेरा मोबाइल मिला। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि बहुत मेरा 12,500। हाँ, मैं विकास नगर रहती हूँ। वर्षा चौहान है, मेरा मोबाइल घुमा था 25/10/2023 को घुमा था मेरा मोबाइल, चोरी हुआ था मेरा मोबाइल। हाँ, मोबाइल वो FIR सिटी कोतवाली में FIR दर्ज करवाई थी, फिर यहाँ पे भी साइबर पे भी हमने आवेदन दिया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संपत उपाध्याय सर के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे कि बड़ी संख्या में लोगों की इस तरह की ग्रीवांस रहती है, शिकायत रहती है कि मोबाइल उनका गाड़ी में छूट गया, गिर गया, और उसकी शिकायत भी रहती है। जो गुमने की जो शिकायत होती है इसकी पूरा कंपाइलेशन किया गया और पिछले 3 महीने से लगातार साइबर सेल देवास पुलिस इसको ढूंढने में लगी हुई थी और उनको बड़ी सफलता मिली। करीबन 120 मोबाइल फ़ोन कर 24 लाख की कीमत के इन लोगों ने बरामद किए हैं, दस्तयाब किए हैं और सभी आज इन लोगों के मूल स्वामी जो हैं उन सबको वहाँ पे वितरित भी किए गए हैं। स्वाभाविक है, नया वर्ष इनके लिए अच्छा है, कोई चीज़ गुमी हुई मिलती है तो उनको उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है। हम इस तरीके की कार्रवाई को लगातार जारी रखेंगे। लोगों को साइबर सिक्योरिटी के संबंध में मोबाइल गुम हो जाने की स्थिति में भी अवगत कराया गया है, जिससे वो लोग सजग रहें, अलर्ट रहें और पुलिस की आवश्यकता पड़ते ही हम उसकी कार्रवाई भी करें। करीबन 120 मोबाइल हैं तो 120 लोग तो हैं उनके भूस्वामी। इसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है किस किस तरीके से ठगी होती है, OLX पे किस तरह ठगी होती है, किस तरीके से लिंक भेज के ठगी होती है, किस तरीके से आपका एडवाइजरी की जो बहुत ठगी होती हैं उनके बारे में अवगत कराया गया है और लगातार इसमें आगे हम लोग सेशंस करते रहेंगे, लोगों को एडवाइजरी भी जारी करते रहेंगे और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में भी इसमें अब साइबर सेल की टीम जाएगी और उनको अवगत कराएगी। इसमें हमारी जो तकनीकी सहायता होती है वो सब लिए गए हैं और विभिन्न जो कंपनीज हैं वो हमारी मदद करती हैं और उसके बाद हम लोगों को इसमें सफलता मिली है। स्वाभाविक रूप से कई लोगों के मोबाइल गिरे और वो चला रहे हैं, दुकानदार ने उनके उनके बिल्स नहीं देखे और उनका काम रिपेयर करने के लिए उनके यहाँ रखे हुए हैं, इस तरह के कुछ मिले हैं। कुछ लोगों से भी सीधे बात की है तो उन लोगों ने लौटाए भी हैं और जिनने वाकई में इसमें अपराध किया उसमें हमने कार्रवाई भी की है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।